पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार को फिर भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की हत्या करने का आरोप टीएमसी पर लगा है। ताजा मामला पुरुलिया निवासी स्वरूप शॉ की हत्या का है। बीजेपी का आरोप है कि दुर्गापुर पूर्व विधानसभा की पुरुलिया के निवासी और बीजेपी की सक्रिय कार्यकर्ता स्वरूप शॉ को टीएमसी के कार्यकर्ता घर से उठा कर ले गए और निर्ममता से हत्या कर दी। बीजेपी की तरफ से कहा गया, मां माटी मानुस की सरकार के शासन में पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं। शीघ्र ही बंगाल के लोग इस जंगल राज को हटाकर बंगाल से इस हत्यारी सरकार को विदा करेगी। बीजेपी के बंगाल इकाई के नेता तुषार कांति घोष ने ट्वीट किया कि बंगाल में टीएमसी की अनुप्रेरणा से हिंसा जारी है। सोमवार को फिर एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। गौरतलब है कि बंगाल दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी टीएमसी सरकार पर राजनीतिक हत्याओं का आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीतिक हिंसा के समक्ष बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं झुकेंगे और उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। उन्होंने कहा था कि टीएमसी के राज्य में 100 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें TV9 भारतवर्ष। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।